बजे चढ़ा रहे बताओ पढ़ो क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट बोला है जो इसका फायदा उठा लिया है उसको साइड कीजिए। देश भर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन उग्र हो गया है। आज भारत बंद का पूरा पूरा प्रदर्शन बिहार में सुबह से ही देखने के लिए मिल रहा है। कई जिलों से अभी तक तस्वीरें सामने आ गई हैं। इसके साथ ही एक अलग ही नजारा सीतामढ़ी में देखने के लिए मिला। दरअसल तमाम जिलों में प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास पुलिस की ओर से देखने के लिए मिला। इसके अलावा कहीं पुलिस और प्रदर्शनकारी के बीच हाथापाई भी हुई, लेकिन सीतामढ़ी में एक अलग ही तस्वीर निकल कर सामने आई, जिसमें देखा गया कि डीएसपी साहब प्रदर्शनकारियों के साथ मिलकर बीच रोड पर ही फड़ियाने लगे। दरअसल तस्वीर जो आई उसमें देखा जा रहा है कि लाठी लेकर डीएसपी साहब पहुंचे और वहां पर मौजूद प्रदर्शनकारियों से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर सवाल करने लगे। जब उनके तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने प्रदर्शनकारियों को शांत कराने के लिए कोर्ट के फैसले को समझाया और क्रीमी लेयर का मतलब बताया। क्या कुछ इस दौरान पूरा वाकया हुआ खुद देख लीजिए। आरक्षण को बहिष्कार किया जा रहा है, उसके लेकर हम लोग अपना जो आरक्षण का जो बंटवारा करने की कोशिश कर रही है केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट, उसके विरोध में हम लोग शांतिपूर्वक कुछ लोगों को रोड पर उतर आना है। क्या हुआ मैटर पड़े हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पड़े हैं? कोई भी आप लोग सब पढ़ने लिखने वाले कुछ लोग दिख रहे हैं, कोई पढ़ा है पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट? अरे भाई पढ़े हो तो बताओ, नहीं पढ़े हो तो बोलो, हम बता देते हैं। सबके हाथ में गूगल है ना जी, बस चेक कर लेना है कि आप गलत बोल रहे हैं कि आप गलत बोल रहे हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट का मात्र ये कहना है कि जो क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर को हम साइड किया जाए। क्रीमी लेयर का मतलब हुआ जिसके घर का आमदनी 13 लाख के ऊपर है, 4 लाख उसका रेंज बढ़ गया है। सुनो तो सर, ऐसा इसलिए हो रहा है कि जैसे मान लीजिए हम उसका आरक्षण दिए एससी एसटी जी, तो हमको मेरा बेटा को भी नहीं मिला, इसको नहीं मिला है। आपके घर में पढ़ा लिखा है नहीं, समझदारी है नहीं, दूसरे के चढ़ाओ बताओ पढ़ो क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट, उसका जानो। जो आदमी समझदार है ना उसे पूछो कि भैया इसका फायदा नुकसान क्या है, अपना भाव ढूंढ लो, हम भी साथ रहेंगे, अनाप शराब चीज में आ गए हो पढ़ो जाओ। बेवकूफों तुम्हें लोग के लिए जजमेंट है, पढ़े तो हो नहीं जजमेंट, पढ़ाई लिखाई तो पीछे हो सकता है, 100 रुपया बिहारी का आ गया भी बढ़ा दिए। जजमेंट क्या हो, क्या है जजमेंट, पढ़े हो? सुप्रीम कोर्ट बोला क्या है, पढ़े हो? बता दे कि सीतामढ़ी में भीम सेना और आरक्षण बचाओ मुहिम के तहत कई प्रदर्शनकारी शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर इकट्ठा हुए। प्रदर्शनकारियों ने दुकानों को बंद कराया और सड़कों पर टायर जलाकर यातायात को अवरुद्ध किया, जिससे शहर में अव्यवस्था फैल गई। वहीं इस दौरान प्रदर्शनकारियों के आक्रोश पर विराम लगाने पहुंचे डीएसपी ने क्या कुछ कहा सुन लीजिए। कोर्ट के जो वर्डिक्ट आई है रिसेंटली एससी एसटी रिजर्वेशन को लेकर, क्रीमी लेयर को लेकर, उस संदर्भ में आज जिले में विभिन्न जगहों पे विभिन्न संगठनों द्वारा जुलूस इत्यादि निकाला जा रहा है और प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ जो उनका भारत बंद का आह्वान है उसको सफल बनाया जाए। इस क्रम में जिला प्रशासन बिल्कुल इस बात को लेकर सख्त है कि कहीं पे भी जबरदस्ती का बंद इत्यादि नहीं कराया जाएगा, ये बिल्कुल वॉलंटरी हो सकता है, लेकिन कहीं पे भी दल बल का प्रयोग करके किसी भी संगठन समूह द्वारा किसी को भी जबरदस्ती बंद कराना गैरकानूनी है। उनको अगर हम लोगों को कोई शिकायत आएगी तो उसको हम लोग चिन्हित करके और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। फिलहाल हम लोग विभिन्न जगहों पर जाकर और लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि जो भी हो वो पीसफुल हो और डेमोक्रेटिक जो गाइडलाइंस है उसके तहत ही सारी प्रोसेस। अभी सब कुछ पहले मैसौल चौक आने से पहले झगड़ा हुआ था, वहाँ हाथापाई हुआ था। अभी जो मैसौल चौक की आप बात बता रहे हैं उसके बारे में हमने सुना जरूर है, उसके बारे में अभी तक कोई डायरेक्ट शिकायत नहीं आई है। हम लोग अभी हम खुद ही मैसौल चौक से आ रहे हैं तो हम लोग सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। सभी थाना इत्यादि को निर्देश दिया गया है कि वो लोग रोड पे रहें और सभी लोग सिचुएशन उसका जायजा लें, जहाँ भी जरूरत पड़े वरियों को सूचित करते हुए जो जरूरी सम्मत कार्रवाई है वो की जाए। बता दें कि आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार
और न्यायालय आरक्षण को समाप्त करने की साजिश कर रहे हैं और इस साजिश के खिलाफ आज का प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने संविधान की 9वीं अनुसूची में आरक्षण को शामिल करने की मांग की ताकि इसके भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। प्रदर्शन के दौरान स्थानीय लोगों के साथ कई झड़पें भी हुई। प्रदर्शनकारी इसे आरक्षण के अधिकार की रक्षा का आंदोलन मानते हुए अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। प्रशासन और पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सक्रिय है, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। दर्श न्यूज के लिए सीतामढ़ी से सूरज कुणाल शाही की रिपोर्ट।